कि जैसा कि मैंने आपको लाइंस के बारे में काफी डिटेल में आपको बताया कि कैसे आपको हाथ के अपने मूवमेंट्स आपको कितने खोलने हैं, स्टार्टिंग में नो डाउट आपको ड्राइंग करते वक्त काफी सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लाइन टूटेगी, ब्रेक होंगी, आपको कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उन सब चीजों से आपको जो है कहीं पर भी निराश नहीं होना है। आप अपनी लाइंस पे और अपने कॉन्फिडेंस पे आप जो है भरोसा आपको रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी दो बेसिक्स लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, जब आपकी आप ये मान लेना जब आपकी लाइंस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपकी स्ट्रेट आनी स्टार्ट हो गई तो आप लाइंस के काफी बड़े पड़ाव पे आप आ चुके हैं, जो कि उसका एक एडवांस वर्जन होता है जिसमें आप लाइंस के अंदर भी जो ना टोन्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लाइंस में टोन कैसे होती है कि कितना आपको लाइंस में आपको प्रेशर देना है, कितना नहीं देना है, फास्ट कैसे चलाना है, राइट, और लाइंस के अंदर मूवमेंट्स कैसी होंगी, क्योंकि लाइन के अंदर भी आपकी टोन्स होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने लाइन आपने चला दिया। तो लाइन अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट है, और जब आपकी लाइंस आप पेंसिल से आप बहुत अच्छे से करना आप सीख जाएंगे तो आपकी आप देखेंगे आपकी ड्राइंग्स परफेक्ट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और वही चीजें फिर आपकी आप चाहो तो आप चारकोल यूज करें, आप पेनवर्क यूज करें, आप कुछ भी आप यूज आप करेंगे तो आपके हाथ में एक फ्लो रहेगा और लाइन को लेके आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपकी लाइंस में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है और आप फ्लो में आप लाइंस बहुत इजीली आप इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं उन सबका जो सबसे पहला पड़ाव है कि आपकी लाइंस का ठीक होना और अच्छा होना। तो उनमें से कुछ लाइंस के मेरे पास में एग्जाम्पल हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में, जैसे देखिए मैंने आपको एक ये एग्जाम्पल जो है मर्बल हमारे है एक एनाटॉमी फिगर है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइक उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे ना तो देखो कईयों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों का डिफरेंस भी नहीं पता होता है। वर्टिकल लाइन वो होती है जो जो लंबवत रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है जो समुद्र स्तर की रेखा पर, समुद्र की जो स्तर होती है उस पर जो फ्लैट लाइन बनाता है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट। तो देखिए ये डिफरेंट ऑफ लाइंस, आप लाइंस के द्वारा आप जो ना फिगर और कुछ भी चीजें आप जो ना आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है, ज़िगज़ैग, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, डॉटिंग वाली, सभी आप लाइन के द्वारा किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना दोस्तों ये है कि जब आप किसी ब्लैंक चीज को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले वो एक बिल्कुल ब्लैंक सरफेस होता है, और अगर आपने एक डॉट भी अगर आपने आपने लगा दिया है तो आपने एक स्टेप रख दिया है उसको क्रिएट करने का। और जब आप क्रिएट करने की बात करें तो आप डॉट्स से भी आप किसी भी चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइनिंग तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट डॉट्स के द्वारा भी आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का जो क्रिएशन होता है वर्ल्ड वाइड, किसी भी चीजों का क्रिएशन वो लाइन से होता है। तो लाइंस की आप अहमियत को पहचाने और लाइन को आप अपने लाइफ के अंदर उतारें, और जितनी ज्यादा डिटेलिंग आपकी लाइंस के अंदर होंगी आप किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स के अंदर आप बहुत अच्छा आप जो परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप क्रिएट करने वाले आप बन जाएंगे। जब आपने एक वाइट चीज को तो वाइट चीज वाइट सरफेस के ऊपर कुछ चीज ड्रॉ करना शुरू कर दिया और वो लाइनों से ही क्रिएट होता है, और क्रिएट करते करते पता नहीं क्या क्या बनेगा, आप आर्किटेक्चर बनेंगे, आप डिजाइनिंग लाइन में देखें तो आप नई नई चीजों की ड्रेसअप आप जो है डिजाइन करेंगे, राइट। और यहाँ तक कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग में अगर हम देखें तो किसी भी प्रोडक्ट का बेसिक जो है डालना वो भी आपका लाइंस के द्वारा होता है। तो दोस्तों लाइंस किसी भी चीजों को एक क्रिएट करने का सबसे पहला माध्यम है, जो आपको सबसे पहले फंडामेंटल में आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए। आज देखिए जैसे मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग्स के बारे में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको आपके सामने आज मैंने डिस्कस किया, साथ में डेमोस्ट्रेशन भी आपको करके दिखाया कि लाइंस कितनी इम्पोर्टेंट्स होती हैं। अगर आपकी किसी भी अगर आप जो है क्रिएटिव फील्ड्स में हैं जहाँ पर आपको ड्राइंग करने में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कि आपसे मेजरमेंट्स नहीं हो पाता है या ड्राइंग्स आपकी टूटती हैं, तो वो स्टूडेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी ड्राइंग से बेसिक्स चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार आप अपने डाउट्स उनसे शेयर करें, जिससे कि मैं आपकी लाइनों के बारे में बहुत डिटेल से आपको बता पाऊँ कि आप लाइंस कितनी है और अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग तरीके से आप
कितनी अपनी लाइंस आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना अच्छा आप जो है क्रिएट कर सकते हैं लाइनों के द्वारा। और साथ में देखिए दोस्तों ये ना सारे टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, तो टेक्निकल प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलता है कि मिस्टेक्स कहाँ पर होती हैं। अगर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं लाइंस के अंदर में और आप किसी चीज़ को आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बेसिक्स फंडामेंटल पे आप जरूर आएं। आज हमने आपको लाइन के बारे में जो है ब्रीफ किया है, फर्दर नेक्स्ट हम आपके आपके लिए टोन, टेक्सचर और बेसिक फंडामेंटल जो है लेके आएंगे। मोर वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में आएं, देन सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप और फर्दर अच्छी वीडियोस अपने बेसिक्स के लिए आप देख पाएंगे।